Hello dear students, how are you guys? Welcome to the Unacademy Studio Placebo channel. मैं रोहित मालव RM sir, आपका physics guru. हम physics की strategy के लिए यहाँ पर आए guys. Yes, है ना, physics की क्या weightage वगैरह है sir? Previous 2018 और 19 दोनों का हम analysis करेंगे यहाँ पे guys. और एक best strategy prepare करेंगे in a nutshell. कौन कौन से important chapters हैं वो भी आप देखेंगे. आपने यहाँ पर देख तो लिया है स्क्रीन पर, राइट? तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं. न्यू स्टूडेंट्स को बस मैं अपने बारे में बता देता हूँ. आई बिलोंग टू कोटा. आई हैव डन माई बी टेक फ्रॉम आई आई टी रुड़की गाइज. आई हैव 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई टीच फॉर नीट एंड एम्स. एम्स बोथ जे मेन्स और एडवांस में भी मैं बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड कर चुका हूँ, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. और यहाँ पर इस चैनल पे अनअकैडमी स्टूडियो प्लेसिबो चैनल के ऊपर हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हैं एग्जांपल्स के साथ, ताकि हमारी फिजिक्स की नीट 2020 की प्रिपरेशन हो सके और बियॉन्ड अगर आपको और अच्छा करना है तो उसके लिए भी प्रिपरेशन हो सके. अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रोहित मालव आप टाइप कर सकते हैं. चलिए तो शुरू करते हैं. कहाँ से हम 2018 का एक बार पेपर देखते हैं. कहीं बच्चे बोलते हैं कि सर 11th का पोर्शन ज़्यादा आता है कि 12th का ज़्यादा आता है, तो आपकी आंखों के सामने यहाँ पर मौजूद है. यस, आप यहां देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो फिजिक्स के हैं पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो 21 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11th से आए. अगर आपका 11th कमजोर रह जाता है तो बहुत दिक्कत वाली बात है दोस्तों. अगर आप केवल 12th पे फोकस करते हैं तो भी ये लगभग हम बोल सकते हैं 45% और 55% जैसा रेशो है. 45% जो आपके बोल सकते हैं क्वेश्चंस वो अभी भी क्लास 11 से आ रहे हैं. अगर 2018 का पैटर्न देखें, 2019 में तो और इक्विलेंट से हो गया था, लगभग बराबर से हो गया था, वो भी हम देखेंगे. आप यहाँ पे केमिस्ट्री का भी देख सकते हैं कि 21 और 24 का सेम यहाँ पर रेशो चल रहा है. बायोलॉजी के अंदर हम देख सकते हैं 47 और 43. तो 11th का भी बच्चों हमको साथ में प्रिपेयर करना पड़ता है, इससे हमको पता चल रहा है. चलिए देखते हैं कि 2019 का पेपर कैसा था. 2019 का पेपर कुछ ऐसा था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 11th स्टैंडर्ड से आए थे वो आए थे 22 और 23 आए थे. तो 21-22 इज नॉट अ बिग डील. बिग डील इज व्हाट कि सर मुझे 11th भी अच्छे से प्रिपेयर करना है और 12th के साथ इसको प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है. उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा दैट हाउ टू मैनेज द 11th स्टैंडर्ड, है ना. 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स किस तरह से हम 12th के अंदर स्ट्रेटजी वाइज देखेंगे वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. लेकिन इस वीडियो के अंदर हम पूरा यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं. यहाँ पे तो बल्कि 23 और 22 के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, जो कि उल्टा हो गया है, राइट. 11th की केमिस्ट्री ज़्यादा आई थी, ओके. और बायोलॉजी में भी हम देखते हैं कि एक ट्रेंड तो चलता ही है, 47, 43 का हो या 46, 44 का हो, इस तरीके से हमारा चल रहा है. ये आपके आंखों के सामने रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के दोस्तों, बिना स्ट्रेटजी के, बिना एक क्लियर पिक्चर के हमको हमारा गोल अचीव नहीं हो सकता. हमको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, हमारे प्रोज और कॉन्स देखने पड़ते हैं, हमारे अंदर की आत्मा को जगाना पड़ता है. यस, आई हैव टू कवर द 11th ऑल्सो, राइट. चलिए तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई. चलिए नीट 2018 का फिजिक्स का पेपर एनालिसिस देखते हैं कि अलग अलग टॉपिक्स में से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे. हाईलाइट अगर आप देखें तो यहां पर आपका दिमाग जा रहा होगा, यस, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और जब ये यहां पर कवर अप होगा तो आप जरूर यहां पर अटेंड करना, बिकॉज इट इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक. करंट इलेक्ट्रिसिटी और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मेरे बहुत फेवरेट टॉपिक है. इन डेप्थ एनालिसिस में आपको इसमें दूंगा, ओके. और यहां देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से भी काफी क्वेश्चन आते हैं. ग्रेविटेशन से दो क्वेश्चंस पक्के हैं, 2019 के अंदर भी दो क्वेश्चंस आए थे. इस तरह का हम एनालिसिस कर सकते हैं. हाईलाइट हम देख रहे हैं जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी से भी दो क्वेश्चंस पूछ लिए गए. अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला पार्ट अगर मैं साथ में लेता हूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह, यहाँ से चार क्वेश्चन हमको दिख रहे हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक से कम क्वेश्चंस पूछे गए थे ऐसा हमको दिख रहा है. प्लस मैग्नेटिज्म से 3 से 4 क्वेश्चंस ऑब्वियसली आने ही हैं. ये चीज आपको इन अ नटशेल भी मैं बता दूंगा, ये चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए दोस्तों, ओके. ये अपनी कॉपी निकालो और अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है. इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट, कैपेसिटेंस और हर एक चैप्टर के अलग अलग डिटेल वाइज मैंने यहां पर बना दिए हैं. और हम यहां देख सकते हैं जैसे सेंटर ऑफ मास से एक क्वेश्चन पक्का होता है. ऑल्टरनेट करंट से जरूरी नहीं है कि हर साल आए, लेकिन ऑल्टरनेट ईयर्स में आता रहता है तो ऑब्वियसली प्रिपेयर तो हमको करना ही है. कैपेसिटेंस का एक क्वेश्चन पक्का होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पर्टिकुलरली देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो एक क्वेश्चन आया, थोड़ा सा कम आया, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन आते हैं. 2019 के अंदर दो क्वेश्चन आ गए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और कैपेसिटर से भी, तो टोटल मिला के 3 हो गए थे. तो ये थोड़े से वेरिएबल रहते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट मैं आपको एंड में प्रोवाइड करने वाला हूँ, राइट. आपने ना नटशेल इसको देख लिया होगा.
एरर एंड एनालिसिस में भी एक क्वेश्चन हमेशा पक्का होता है, फ्रिक्शन या एनएलएम का एक ही क्वेश्चन आता है, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं लेकिन एक क्वेश्चन आता है, तो हमको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए सर, मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेकर आऊँ वो भी आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पर 2018 का ही अगला जो आपका असाइनमेंट है उसमें मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट होता है, यस मॉडर्न फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट, ओके। और अगर हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स देखें और प्लस सर्कुलर, ओके सर्कुलर मोशन और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स देखें तो करीबन 4 से 5 क्वेश्चंस यहां पर आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के पर्टिकुलरली यहां पर 3 क्वेश्चन आते हैं, यूजुअली 2 आते हैं, ओके। साउंड वेव्स या SHM के बारे में बात करूं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है दोस्तों, और SHM अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होता है तो साउंड वेव्स में और वेव्स में कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, ये इन अ नटशेल है। चलिए सर जल्दी से 2019 का बता दो, बोल रहे थे पेपर बड़ा आसान बना था, यस 2018 के कंपैरिजन में पेपर बहुत इजी बना था, लेकिन हम तो अभी यहाँ वेटेज देखने आए हैं क्योंकि हमको जो प्रिपेयर करना है वो पूरा प्रिपेयर करना है, भले इजी है या टफ है वी हैव टू प्रिपेयर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर से मैंने बोला था जैसे कैपेसिटेंस से एक क्वेश्चन और सेंट्रल मास से एक क्वेश्चन पक्का है। आप देख सकते हैं सर्कुलर मोशन, यस सर्कुलर मोशन प्लस रोटेशन, ठीक है रोटेशन इससे प्रीवियस यहाँ पर होगा, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स यस दो, तो दो क्वेश्चन तो रोटेशनल मोशन के थे, सर्कुलर मोशन के 4 क्वेश्चन थे, यानी कि टोटल मिला के बेटा कितने हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन मायने रखते हैं जिंदगी में हमारे सिलेक्शन में, राइट। चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ कोर्स इट इज़ द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर और कैपेसिटर मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे 2019 में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा क्या वेरिएबल चलता है लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के अंदर, राइट। ज्योमेटिकल ऑप्टिक्स विच इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड, ये मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाला हूँ, तो ज्योमेटिकल ऑप्टिक्स यहाँ पे हो गया। ग्रेविटेशन के 2 क्वेश्चन पक्के हैं, KTG थर्मोडायनेमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं। मैग्नेटिज्म के बारे में बात करें तो मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स वगैरह और अर्थ मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन यहाँ पे 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, 1D मोशन के अंदर 1-1 क्वेश्चन है, तो आपको ये दिख कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, लेकिन फिर भी एक जगह पे मैं लिस्ट कर दूंगा, आपको वो करना बहुत जरूरी है। एनर्जी के साथ आंखें खुल जानी चाहिए कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, हमको वो चैप्टर्स आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि हमको नीट में सिलेक्शन चाहिए, जिंदगी में टाइम पास नहीं चल रहा है, राइट। सही है, सही बात है, हमको जब एक बार पढ़ ही रहे तो अच्छे से पढ़ लेते ना यार, क्यों हम थोड़ा सा बोल सकते कैजुअल हो जाते हैं कि यार ठीक है ओके मेरी कोचिंग के अंदर 40-50% चल रहा है, मैं टॉप 10 में आ रहा हूँ, या 40-50% से टॉप 10 में आ रहा है, टॉप 20 में भी आ रहा है मान लेते हैं, तो वो तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो सकता है। सोचो 80% कट ऑफ जाने लगी है नीट की, तो हमको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है दोस्तों। ये यहाँ पर आगे देखते हैं, रिलेटिव मोशन का भी एक क्वेश्चन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के 2 क्वेश्चन बता दिए थे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यस 2 से 3 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। फिर से मैंने आपको बताया जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के 2 क्वेश्चन आगे, वेव्स का क्वेश्चन नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, पर ये गुच्छा होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो SHM प्लस वेव्स आपस में काफ़ी रिलेटेड होते हैं, तो अगर हमको SHM समझ में आता है तो वेव्स भी हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, फिर अगर वेव समझ में आता है तो वेव ऑप्टिक्स भी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, और वेव ऑप्टिक्स का भी एक क्वेश्चन है, तो ये टोटल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। ये अपने एक गुच्छा बना लेना, SHM प्लस वेव्स प्लस वेव ऑप्टिक्स, राइट। चलिए तो ये चीज़ हमको समझ में आ रही है। थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करें या हीट के बारे में बात करें, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, यूनिट्स एंड डायमेंशन से भी एक क्वेश्चन आता है, वर्क एनर्जी पावर से भी एक क्वेश्चन मैंडेटरी है, आना ही है मिनिमम। मेरे को जहां तक लगता है ट्रेंड के हिसाब से जो मैं फील करता हूं, वर्क एनर्जी पावर का वेटेज आगे बढ़ सकता है, तो ये जरूर आप कर लेना 2020 के लिए प्रिपेयर, इसका वेटेज बढ़ सकता है। मुझे जहां तक लगता है 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहां से आ सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन, 2 तो मिनिमम मुझे लग रहे हैं ट्रेंड के हिसाब से अगर देखते हैं तो। ये यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर ट्रेंड में ये देख रहा हूँ कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जितने भी यानी कि इनका जो NTA का जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, जेई मेन्स से भी पड़ता है, और जेई मेन्स के अंदर वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस पक्के हैं, फ्रिक्शन के क्वेश्चन पक्के हैं। धीरे 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 ये उधर की तरफ ट्रेंड सेट करेंगे, देखते हैं कि जो मेरा प्रेडिक्शन है वो अगले साल के लिए कैसा रहता है इस वीडियो के बाद। चलिए अब हम देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 11th क्लास के कौन से हैं। यस सर, ये बढ़िया आपने काम कर दिया, 11th क्लास के लिए आपने अलग बता दिया, यस। तो नोट कर लें सबके सब, सर्कुलर मोशन जिंदगी में और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-6 क्वेश्चंस दोस्तों यहां से आ सकते हैं, SHM वेव्स के 2-3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपके KTG थर्मोडायनेमिक्स के, ये तो आपको प्रिपेयर करना ही है क्योंकि ये गुच्छे में आ रहे हैं यार, इतने इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रेविटेशन,
जो है आपकी मदद करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड होता है। इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो फॉर्मूले होते हैं वो लगभग सेम से होते हैं। वन डी मोशन, रिलेटिव मोशन सबको आते ही है, तो इसकी ज़्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। दो आए, तीन आए, एक आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लूइड और सरफेस टेंशन, यस, कहीं लोगों का फ्लूइड बहुत वीक रह जाता है, सरफेस टेंशन वीक रह जाता है, उनको लगता है कि इनको छोड़ देते हैं। ये आप बहुत गलत करते हैं। ये ईजी टॉपिक्स हैं, ये कोई बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक्स नहीं है, इनको आप कर लेना चाहिए। तो दो क्वेश्चंस यहाँ से भी आ रहे हैं, राइट। चलिए, तो ये अगर टोटल अगर आप देखते हो तो 5, 3 और 3, 11, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं करीबन 18-19 क्वेश्चंस यहाँ से लगभग पक्के हैं, 18 हम मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से ले रहे हैं 11 के अंदर हमने 18 क्वेश्चंस अगर देख लिए, और ये 18 क्वेश्चंस तो हमको पक्के करने ही हैं अपने जीवन में, और बाकी चैप्टर्स को लगभग छोड़ देते हैं पर ये ठीक है। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, टोटल मिला के 5 क्वेश्चन। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो कि बहुत लंबा चैप्टर है, 4 क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर से, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, पूरे पूरे 12th से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो सर यहाँ पर 11th और 12th का वेटेज एक जैसा क्यों हुआ? क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने एनालिसिस किया हो, ये रहा 2019 का ही देखते हैं, अगर आपने एनालिसिस किया हो तो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पर ये चल रहा है कि 11 के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको टच कर रहे हैं। देखो, सेंटर ऑफ मास एक क्वेश्चन, ठीक है, सर्कुलर मोशन तो ठीक है, मैं उनको टिक कर रहा हूँ जो कि एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास हो गया, ओके, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। एरर एनालिसिस, देखो एरर एनालिसिस हो गया, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन, ये दो हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का देखो एक ही क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक क्वेश्चन, समझ रहे हैं। तो ये टॉपिक्स 11th के ना हर एक टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। रिलेटिव मोशन में से एक क्वेश्चन आ गया, देखो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स तो इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर, सिंपल हार्मोनिक इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन से देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, थर्मल एक्सपेंशन यानी हीट और थर्मल एक्सपेंशन आया हुआ है, यूनिट्स एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन। तो ये क्या है, इन्होंने यहाँ पर हर एक टॉपिक को कवर अप किया हुआ है, इसलिए 11th इम्पॉर्टेंट हो जाती है नीट के लिए। इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। जो ये सोचते हैं कि हम तो 12th के साथ ही कर लेंगे, यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इतने क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेटिज्म जैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको दिख रहा है कि 11th के अंदर 18 क्वेश्चन जो हैं ये तो अगर मिनिमम करने ही, आपको अगर नहीं किए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट। चलिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म में अगर हम देखें तो 5, 4, 4 यहाँ पे टोटल मिला के हमारे हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 8 और 13, 13 और 3, 16, 16 प्लस 5 समथिंग, यानी कि 21 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से हमको मिनिमम करने ही हैं। और 21 और 18 अगर हम देखते हैं तो टोटल मिला के कितना हो जाता है दोस्तों, यस 39। अब ये 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतना तो हमको मिनिमम प्रिपेयर करना ही चाहिए। बाकी जो इजी टॉपिक्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिनसे एक एक क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी स्ट्रेटजी देखो यहाँ पर। मैंने आपको बोला था मैं बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए। यस, फर्स्ट गेन द कॉन्फिडेंस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ये जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो कि आपने ये देखा होगा, ये वीडियो आप वापस भी देख सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करो गाइस, यस, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, नोट डाउन करेंगे हम टफ क्वेश्चंस को एक सेपरेट नोटबुक के अंदर, और उनके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फॉर्मूलाज लिखेंगे चैप्टर वाइज। अगर हम अलग अलग चैप्टर के ऊपर सामने हेडिंग डाल के उनके सभी फॉर्मूले नटशेल में लिख लेते हैं तो हमारा रिविजन जल्दी हो जाता है। हम अटेम्प्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रिपरेशन के बाद, पहले अटैक नहीं करेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, वरना अगर आप कहे गणने और आपसे नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, पहले कॉन्फिडेंस पाना है फिर आगे चलना है, राइट। अब यहाँ फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिफ्थ पॉइंट हो जाता है दोस्तों, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल लेस इंपॉर्टेंट। अब ये लेस इंपॉर्टेंट कैसे, मैंने आपको 39 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन, उसको 38 क्वेश्चंस बताएं जो कि ब्रॉडर इंपैक्ट है, उनको हमको पढ़ना ही है। जो बाकी के हमारे 7-8 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, सर वो इतने छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हम तो उनको दबा देते हैं, हम तो उन पर ध्यान नहीं देते यार, वो 7-8 क्वेश्चंस भी तो ईजी आ सकते थे। यस, तो आप क्या कर सकते हो, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल लेस इंपॉर्टेंट का मतलब वही है जिनसे एक एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके, और एक ही पेज पे बना लो या फिर उनकी एक सेपरेट कॉपी बना लो। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, मैं बिल्कुल ऐसे ही प्रिपेयर करता, यहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है, 11th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके 12th क्लास के मौजूद हैं, और फिर उसके बाद जितने भी हमारे चुनने मुन्ने बचते हैं, सरफेस टेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, इस तरह की चीज़ें, 1D वर्क एनर्जी पावर, और हम बोल सकते हैं NLM फ्रिक्शन, इसके क्या कर सकते हो आप, एक ही पेज पर, केवल एक पेज पर
पूरा फ्रिक्शन है, एक पेज पर पूरा एनएलएम है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे आप यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं ताकि उनका रिवीजन जल्दी हो सके और इनसे इजी भी आ सकता है, राइट गाइस। चलिए तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी रहती है, आपको पता लगा कि 11th और 12th दोनों में वेटेज आ रहा है, राइट। चलिए अब हम यहाँ पर बेस्ट स्ट्रेटजी देख चुके हैं कि हमको ये 5 steps कवर अप करने। चलो हम यहाँ पे अनअकैडमी प्लस के बारे में बात करते हैं। कई लोग पूछते रहते हैं अनअकैडमी प्लस क्या होता है, तो अनअकैडमी प्लस इज अ पेड प्लेटफॉर्म। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपको मैंने क्या बताया प्रीवियस ईयर पेपर्स करना बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस के लिए, यहाँ पर करवाते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे मिल जाते हैं विद एनालिसिस कि पिछले बार क्या आया था और अभी क्या आने वाला है। वीकली क्विजेस और डाउट सेशंस भी होते हैं, इट इज़ अ पेड प्लेटफॉर्म, लेकिन एक्स्ट्रा थिंग्स, और ये अश्योर करता है हमारी तरफ से तो कि ये कंटेंट अगर आपने पढ़ लिया तो आपका नीट में सिलेक्शन होगा। फिर आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके ब्रेन लेवल पर, आपकी प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करता है, एक्यूरेसी भी डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन कितनी रैंक, कितनी अच्छी रैंक तक हो सकता है। दोस्तों बेस्ट एडुकेटर्स जुड़ चुके हैं यहाँ पर टीम के अंदर, और क्या चाहिए, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी टॉपिक ब्राउज कर सकते हैं जो आपका वीक हो। और 11th कवर अप करने में, मैं आपको बताता हूँ 11th कवर अप करने में बाकी सभी ऑफलाइन कोचिंग्स बिल्कुल फेल हो जाती हैं, और यहाँ आप अपने पेस पर याद कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट पेज पे जब आप जाते हैं तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देते हैं। 12 month का अगर आप पैकेज सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कोड लगाते हैं रोहित लाइव, देन द फीस विल बिकम जस्ट मियर 22,500, राइट गाइस। चलिए अगर 24 month का अगर आप लेते हैं और यहाँ कोड लगाते हैं तो ओनली 36,000 ही पे करने हैं, जो कि बहुत ही मिनिमल है, और इतनी फीस के अंदर आप 11th का और 12th का पूरा रिविजन कर सकते हैं, बेस्ट है ना। अनअकैडमी स्टूडियो प्लेसिबो से जुड़े रहना, हमसे बातें करते रहना, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पर हमारे द्वारा पढ़ाए जाने हैं फिजिक्स के अंदर, मैं आपको पूरा गाइड करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइज, आप बेल आइकन जरूर दबा दें, सब्सक्राइब कर लें और फैला दें चारों ओर कि अनअकैडमी स्टूडियो प्लेसिबो गोना बी, यस इज गोइंग टू बी नंबर 1 चैनल, नीट का नंबर 1 चैनल बनना चाहते हैं हम यूट्यूब पर, और इसमें आप लोग हमें मदद कर सकते हैं, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट। ओके बाय बाय, टेक केयर।